मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में हरी सदन कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस मौके पर विधानसभा के कार्यकाल में पिछले 3 वर्ष के अंदर किस प्रकार से नए प्रयोग किए गए हैं, नई परंपराओं की शुरुआत की गई है, ई विधानसभा और नए विधान भवन को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं, इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मौके पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के इन 3 वर्ष के कार्यकाल की प्रशंसा की है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगेबान है आंखें। जी हां, रामगढ़ स्थित ITBP भानु प्रशिक्षण केंद्र में ऐसे कमांडो तैयार किए जा रहे हैं जिनको लेकर ये दावा किया जा सकता है कि अगर गलवान जैसा घटनाक्रम दोबारा हुआ तो दुश्मनों के नापाक इरादों को निहत्ते ही हमारे कमांडो ने चित कर पस्त कर देंगे। जी हाँ, IG ईश्वर सिंह दुहन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला स्थित रामगढ़ में ITBP भानु प्रशिक्षण केंद्र में महिला एवं पुरुष कमांडो तैयार किए जा रहे हैं जिसमें इस बैच में 18 महिलाएं व 100 पुरुष कमांडो तैयार किए गए हैं जिसको लेकर हेली स्लेदरिंग का भी एक प्रदर्शन किया गया, यानी हेलीकॉप्टर से जो दुर्गम स्थान है कैसे वहां उतरा जाता है, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, फिर चाहे वो एंटी टेररिस्ट हो, VIP की सुरक्षा हो या किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर, चाहे सीमा की बात हो या फिर नशाखोर जो है, नशा तस्कर जो है, नार्कोटिक्स विभाग, उसमें भी किस तरह से ITBP के कमांडो काम करते हैं, ये तमाम प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ MH1 न्यूज के लिए उमंग शरान। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लड़ेंगी मैनपुरी से चुनाव। अखिलेश ने साफ कर दिया और टिकट भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो लिगेसी है वो परिवार में ही रहेगी और परिवार का सदस्य यानी कि उनकी धर्मपत्नी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अभी तक इसमें बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। इस बीच शिवपाल यादव ने मना कर दिया है कि वो मैनपुरी में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि अखिलेश के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि शिवपाल यादव जो अभी तक मुलायम सिंह यादव के ना रहने के बाद में काफ़ी करीब आ रहे थे, वो उनकी राहें अब एक बार फिर से जुदा हो चुकी हैं। इतनी राहत तो अखिलेश यादव को ज़रूर है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों से कैसे निपटेंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से SP सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती है। एक बार पहले भी SP सिंह बघेल मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये कोई ऐसी सीट नहीं है जिसे जीता ना जा सके। अब क्या SP सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या होगा यहाँ का परिणाम, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। MCD चुनावों के मद्देनजर आज भाजपा ने वचन पत्र जारी किया। मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वचन पत्र जारी किया। इसमें पहला वादा किया गया है झुग्गी झोंपड़ी वालों के साथ, जिनको की फ्री में फ्लैट देने की बात कही गई है। एक फॉर्म लगाया गया है, ये फॉर्म उनको भरना होगा और उसके बाद BJP के कार्यकर्ता इसे जमा करेंगे और अगर दोबारा से सरकार MCD में BJP आती है तो उन सबको पक्का मकान दिया जाएगा। मनोज तिवारी का कहना है कि जिस तरीके से 3,000 से ज़्यादा फ्लैट दिए गए झुग्गी झोंपड़ी वालों को और बाकी कई और हजारों और झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं जिनको BJP फ्लैट देगी, ये पहला वचन पत्र दिया गया है। इसके अलावा और भी 2-3 दिन बाद वचन उनकी तरफ से दिए जाएंगे, तो एक किस्म का मैनिफेस्टो इसे माना जाए BJP की तरफ से। वहीं अन्य दल भी मैनिफेस्टो अपना तैयार करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी 10 गारंटियां लेकर के आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो को फाइनल करने में लगी हुई है। ऐसे में माना जाए कि अब MCD का रन और भी गहराता जा रहा है, राजनीति बढ़ती जा रही है, टिकट को लेकर के मंथन सभी पार्टियों में हो रहा है। BJP की तरफ से भी 22 सदस्यों की एक CEC बनाई गई है, इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसकी बैठक की गई टिकटों को लेकर के, उसमें मंथन हुआ। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि पहले एक लिस्ट आ सकती है, फिर उसके बाद 3 चरणों में जो है लिस्ट सभी वार्डों की आएगी। 14 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का, 13 को शनिवार है, रविवार है, तो माना जा सकता है 12 को पहली लिस्ट आ सकती है। वहीं सभी दल जो है अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। BJP की तरफ से भी वचन पत्र दाखिल एक जनता के सामने कर दिया गया है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।